Hey guys, this video is brought to you by the brilliant One Football app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, One Football makes that very easy for you. One Football is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the One Football app. Please head into the link given in the description below and download the One Football app now. भाई जब लगा था कि सिटी टाइटल रैप अप कर देगी वेस्ट हैम को हरा के और मतलब लास्ट डे तक नहीं जाएगा टाइटल और वहीं पर ही एक ट्विस्ट हो जाता है. वेस्ट हैम जो है वो सिटी को रोक लेती है 2-2 के ड्रॉप. एक टाइम पर लग रहा था जब 2-0 के मार्जिन से लीड कर रही थी वेस्ट हैम कि शायद सिटी यह मैच हार सकती है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ मैनचेस्टर सिटी का अनफॉर्चुनेट रहे. रियाद मारिस की पेनल्टी मिस हो गई एंड में, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है गोइंग इनटू द लास्ट डे. एक पूरा फेरी टेल सेटअप हो गया है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगला मैच लिवरपूल का साउथहैम्पटन से है, विच दे शुड विन क्वाइट कम्फर्टेबली ऐसा मुझे लगता है, और फिर लिवरपूल को लास्ट मैच खेलना अपना वुल्स से, और मैनचेस्टर सिटी खेलेगी स्टीवन जेरार्ड के एस्टन विला के अगेंस्ट. तो क्या ये वो पल होगा जब स्टीवन जेरार्ड एक प्रीमियर लीग टाइटल जिता के देंगे लिवरपूल को? तो मतलब आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब एक रोमांटिक और एक फैंटेसी वाली एंडिंग के लिए सेटअप हो गया है सब कुछ. और जिस तरीके से लिवरपूल खेल भी रही है सीज़न, वो डिज़र्व भी करते हैं जीतना. सेम विद मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो, वो भी डिज़र्व करते हैं. कोई भी टाइटल जीते, बोथ विल बी डिज़र्विंग. तो इसमें काफ़ी ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है एंड द टाइटल रेस इज़ गोइंग डाउन टू द वायर. स्पर्स ने अपना मैच जीत के बर्नली अगेंस्ट आर्सनल पे जो है प्रेशर क्रिएट कर दिया है टॉप फोर की रेस के लिए. आर्सनल आज खेलने वाली है न्यूकासल यूनाइटेड से. और टेबल पे हम नज़र डाल लेते हैं तो टॉटनम अब 2 पॉइंट आगे हो गई है. एक मैच ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा खेला है आर्सनल से. अब आर्सनल यहाँ पर पॉइंट ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकती. जहाँ आर्सनल ने एक भी पॉइंट यहाँ ड्रॉप किया वो टॉप फोर की रेस में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे. अगर आर्सनल यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप कर देती तो उनके हाथ में फिर नहीं रहेगा टॉप फोर. फिर उनको उम्मीद करनी पड़ेगी कि चेल्सी और स्पर्स दोनों ही अपने मैचेस हारें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. चेल्सी यहाँ पर कंफर्टेबल लग रही है, एक पॉइंट चाहिए बस चेल्सी को. वॉटफर्ड के अगेंस्ट मैच है, 2 मैच जो बचे उसमें से एक लेस्टर के अगेंस्ट है, एक वॉटफर्ड के अगेंस्ट है. तो यू वुड बिलीव कि इन 2 मैचेस में चेल्सी कुछ गड़बड़ नहीं करेगी, एक पॉइंट तो आ ही जाएगा. तो देखते हैं क्या होता है. टॉप फोर की रेस भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है. टाइटल रेस जैसा मैंने कहा 4 पॉइंट आगे है सिटी, लेकिन सिटी के हाथ में 1 मैच है सिर्फ और लिवरपूल के हाथ में 2 मैचेस हैं. तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, बाजी किसी भी तरफ जा सकती है. अभी भी टाइटल रेस जो है वो ख़त्म नहीं हुई है. लिवरपूल इस 4 पॉइंट के गैप को 1 पॉइंट का कर सकती है अगर वो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट अपना मैच जीत जाते हैं. तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हो गया है सबको. और जहाँ मुझे लग रहा था कि भाई मैन सिटी रैप अप कर देगी टाइटल, नहीं कर पाई. एंड दिस अमेजिंग सीजन हैज़ अनदर ट्विस्ट इन इट. और देखते हैं भाई क्या होता है. अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल. और वेस्ट हैम जिस तरीके से खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, और 1-2 चांसेस और मिले थे उनको. सिटी थोड़ा सा लगी मानेगी अपने आप को कि वहाँ वेस्ट हैम तीसरा गोल स्कोर नहीं किया उन्होंने, और थोड़ा सा परेशान ज़रूर किया था फर्नांडिनियो को एंटोनियो ने पूरे मैच में. लेकिन भाई यही प्रीमियर लीग है एंड दिस इज़ व्हाट टॉप नॉच फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट. कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, कभी भी कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है. इसलिए तो हम फुटबॉल देखते हैं, इसलिए तो मज़ा आता है. सीरिया टाइटल रेस की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो है एक मुश्किल गेम था अटलांटा के अगेंस्ट एसी मिलान का, जो उन्होंने अपना जीत लिया है 2-0 के स्कोर से. राफेल लियाओ एंड थियो हर्नांडेज़ विद द गोल्स. तो सीरिया टाइटल रेस भी अब आखिरी दिन पर जा रही है. एसी मिलान 2 पॉइंट की लीड के साथ है और इंटर मिलान जो है सेकंड प्लेस पर हैं. लेकिन अब यहाँ पर आप फैंसी करेंगे एसी मिलान के चांसेस को, तो एसी मिलान का जो मैच बचता है वो अगेंस्ट सासुलो है और इंटर खेलेगी सैमदोरिया के अगेंस्ट. और जब मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ तो 2-1 के स्कोर से इंटर जो है वो लीड कर रही है कागलियारी को. 65 मिनट हो गए हैं मैच में, बट एक बार हम अज्यूम करते हैं कि इंटर मिलान ये मैच जीत रही है और 2 पॉइंट का गैप लेके जो दोनों टीमें हैं वो आखिरी अपने मैचेस खेलेंगी. और इंटर मिलान को अब आप फैंसी करेंगे कि 11 साल बाद फाइनली इंटर मिलान जो है अपना एक स्कुडेटो जीत सकती है, अपना सीरिया टाइटल अपने नाम कर सकती हैं. काफ़ी मज़ा आने वाला है. और ये टाइटल रेस जो है दोनों ही प्रीमियर लीग की, चाहे हम टॉप फोर की बात करें चाहे हम सीरिया के टाइटल रेस की बात करें, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई हैं दोनों चीज़ें. और ट्रांसफ़र रूमर्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी. तो 2-3 रूमर आई हैं जिसमें से कुछ एटलेटिको मैड्रिड के रिगार्डिंग है. तो एटलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने कहा है, फैब्रिज़ियो रोमानो का ट्वीट है कि ग्रीज़मन जो है वो नेक्स्ट सीज़न भी एटलेटिको मैड्रिड में कंटिन्यू करेंगे और बार्सिलोना से डिस्कशन होगा.
कि किस तरीके से जो इस मूव को है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। लुइस सुआरेस का कंफर्मेशन आ गया है कि वो मूव करेंगे एट द एंड ऑफ द सीज़न, वो एटलेटिको छोड़ देंगे। लेवेंडोस्की ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी अपने पिछले मैच के बाद कि शायद उन्होंने अपना जो है आखिरी मैच खेल लिया है बायर्न के लिए, पॉसिबली पॉसिबली नॉट। उस पर एक सॉल्यूशन जो है वो बायर्न के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे सीज़न के बाद, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे सीज़न के बाद बायर्न म्यूनिख के साथ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखना होगा क्या होता है। इवान पेरिसिच पे अभी भी नज़रें बनी हुई हैं चेल्सी की, और वेट कर रहे हैं वो कि इस सीज़न के बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो किस तरीके से जो है वो उनसे नेगोशिएशंस कर पाते हैं। इंटर मिलान के जो सीईओ, उन्होंने कहा है कि हम पेरिसिच की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड वी वांट हिम टू कंटिन्यू, और पेरिसिच भी ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा जैसे उनके स्टेटमेंट से आया है कि वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं अभी तक दिया है, और क्या हो रहा है इतना डिले कॉन्ट्रैक्ट का नया ऑफर करने में इंटर की तरफ से पेरिसिच को, तो कुछ ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मूव है जो आपको लगता है कि इस जून में पॉसिबल है, क्या लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना डन है, और अगर वो होगा तो क्या फ्रेंकी डी योंग छोड़ के जाएंगे बार्सिलोना, एंड व्हाट अबाउट एटलेटिको मैड्रिड कीपिंग होल्ड ऑफ ग्रीस में, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है जिस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। एंड फाइनली द बिग क्वेश्चन, हु विल विन द प्रीमियर लीग एंड हु विल विन द सीरी आ, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर अपन डिस्कशन करेंगे और डिटेल में करेंगे, एक लाइव स्ट्रीम भी करेंगे इन पर, और देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।